हेलो दोस्तों, आईटीआई के साथ साथ ग्रेजुएशन करना भी क्या सक्सेस की 100% गारंटी है? तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। अक्सर मैं देख रहा हूँ मेरे कमेंट बॉक्स में लगातार बच्चे इसको क्वेश्चन को बहुत बार पूछ रहे हैं कि क्या आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं, क्या आईटीआई के साथ प्राइवेट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, क्या ऐसा क्या अगर मैंने ग्रेजुएशन आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन कर ली क्या मेरे डॉक्यूमेंट वो वैलिड होंगे नहीं होंगे। इस तरह के लगातार बहुत सारे क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, तो मुझे देख के बड़ी निराशा होती है कि बच्चों को अभी भी बहुत बेसिक चीज़ समझ में नहीं आती। आप एक चीज़ समझें कि आप ये मान के चलें कि जैसे कि अगर आप एक आपको बहुत प्यास लगी है, ठीक है, और आपने कुआं खोदना है, तो आप मुझे बताएं कि एक बारी में आप एक कुएं को खोद के पानी निकाल लेंगे या एक साथ दो या दो से ज़्यादा कुएं एक साथ खोदेंगे तो पानी जल्दी निकलेगा। इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझना पड़ेगा आपको। जिस तरह से एक कुएं से पानी निकालने के लिए आपको लगातार प्रयास करने पड़ते हैं बहुत लंबे समय तक, अगर आप मान के चले आपकी कोई मशीनरी नहीं है, आपको खुद अपने उसे खोद के निकालना है, तो आप समझे कितना समय लग सकता है। इसी तरह से जब आप कोई करियर डिसाइड करते हैं, आप जब आईटीआई में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपने पूरी तरह से इन्वॉल्व होना होता है वहां से, क्योंकि कल आपने इसी से पैसे कमाने हैं, इसी से आपकी नौकरी इसी पर डिपेंड करती है। लेकिन होता क्या है कि लड़कों का फोकस इस पर ना होने के बजाय उनका फोकस ये होता है कि एक कुआं मैं आईटीआई का खोल लूँ, एक कुआं मैं ग्रेजुएशन का खोल दूं, इसके अलावा भी कुछ और है तो एक कुआं मैं वो भी खोल दूं। तो ये बात समझ में नहीं आती लड़कों के कि भाई अब एक बारी में अगर आईटीआई का कुआं खोदने भी जाओगे और ग्रेजुएशन का भी जाओगे तो भाई उसमें से पानी जल्दी कैसे निकलेगा। और एक चीज आप लोग और समझ लें कि केवल कागज इकट्ठे करने भर से आप नौकरी नहीं मिलती। आपको लगता है कि मैं आईटीआई का सर्टिफिकेट खाली ले लूं, दो साल टाइम पास करते रहूं, जैसे तैसे मैं पास हो जाऊंगा, एक आईटीआई का सर्टिफिकेट उठा लूंगा, एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मुझे यहां से मिल जाए, तो आप मेरे नौकरी लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ऐसी गलतफहमी मत पालिए, केवल कागज इकट्ठे करने भर से अगर नौकरियां अब लगेगी तो ये गलतफहमी मत पालिएगा। देखिए, आजकल स्किल का जमाना है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आप आईटीआई में हैं तो पूरी तरह से आपको फोकस करके आईटीआई से पानी निकालना पड़ेगा, आईटीआई के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सब करने को तो आपकी इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही और आपको लगता है मैं सारी चीजें कवर करता चला जाऊंगा, चार कुएं एक साथ खोदूंगा, ऐसे में पानी निकलने वाला नहीं है। अगर निकलेगा भी तो आप खुद सोचिए कि जब तक आप प्यास के साथ आप कुआं खोद रहे हो, चार कुएं खोद के पानी में पहुंचते पहुंचते तो आप वैसे प्यास से मर जाएंगे। ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। आपको कमाना जल्दी से जल्दी है, दो साल में आपको कमाना है और आपको लग रहा है ग्रेजुएशन भी में भी उसमें भी लगे हो, तो ढंग से खुद आप कुछ कर ही नहीं पाओगे उसमें। केवल सर्टिफिकेट इकट्ठे करके कुछ नहीं होगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आजकल का जो जमाना है वो स्किल का जमाना है। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं वहां से आपको जो नॉलेज मिलती है आजकल प्रैक्टिकल यूज उसका कहीं नहीं है। आईटीआई की जो आप स्किल अडॉप्ट करते हैं उसकी प्रैक्टिकल यूज है, प्राइवेट कंपनियों में उसकी अहमियत है। यही वजह है मैं बार बार लड़कों को बोलता हूं कि आईटीआई जब आप कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के बारे में मत सोचें, ये जस्ट अपोजिट साइड है दोनों, एक अगर पूरब है तो एक पश्चिम है। अगर आपको वाकई में आपको अगर आईटीआई के साथ कुछ करना है तो आप ये समझें कि आईटीआई के बाद आप पॉलिटेक्निक करने जाएं, आईटीआई के बाद आप सीआईटीएस का कोर्स करने जाएं। ये वो कोर्सेज हैं जो इससे रिलेटेड हैं, यानी इनको करके अगर आप ये भी करेंगे इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है कि आपकी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही फील्ड के हैं, आईटीआई के बाद सीआईटीएस या आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक और पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक, इस तरह के जो कोर्सेज हैं ये आपके एक ही फील्ड के हैं, ये आपको बेनिफिट देंगे। लेकिन अगर आप आईटीआई ग्रेजुएशन बोलेंगे तो एक ये कभी भी कहीं मैच करते नहीं है और उसका कोई आपको फायदा नहीं होने वाला। बल्कि मैं तो कहता हूं जो ग्रेजुएशन में आप 3 साल में जो ये 8-10 हज़ार रुपये खराब करते हैं, इससे बढ़िया तो समझदारी ये होगी वो 8-10 हज़ार रुपये आप आईटीआई के साथ जो उसके और कोर्सेज होते हैं, जैसे ऑटो कैड हो गया, 2D 3D या CNC प्रोग्रामिंग, VNC प्रोग्रामिंग, अगर आप उससे रिलेटेड अपने अपने कोर्स से संबंधित कोई कोर्सेज और करेंगे छोटे मोटे इस तरह के, तो उससे बेनिफिट आपको ज़्यादा होने वाला क्योंकि उसी फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन आप ग्रेजुएशन भी करेंगे ये भी करेंगे तो कोई समझदारी नहीं है, चाहे आप कितनी भी अच्छे से कर लें। और इसके साथ साथ फिर आगे 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 और प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चे जाने अनजाने में उनको लगता है मेरी सेटिंग करके मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, मेरी ये भी दोनों हज़ार ही बड़े मजे आ गए। लेकिन होता क्या, जाने अनजाने कहीं उसमें सिलेक्शन हो रहा होता है, वो अनदेखे में दोनों डॉक्यूमेंट वहाँ लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि भाई उनकी जांच बैठ गई है, उनकी जो ज्वाइनिंग होती है वो होल्ड हो जाती है कि भाई यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट सेम सन में यहाँ से भी किया हुआ, यहाँ से भी किया, ये कैसे पॉसिबल है? तो आपको चीज समझनी पड़ेगी। इसके अलावा भी मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो मेरी गुजारिश यही है कभी भी इस नजरिए से मत चलें, जो पैसे आप ग्रेजुएशन लगाने में खराब कर रहे हैं आईटीआई के साथ, उसके बजाय आप आईटीआई के बाद जो दूसरे सुपीरियर कोर्सेज हैं जैसे मैंने अभी बता चुका हूँ उस पर लगाएं। अभी भी आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रही, नहीं भैया ऐसे कि आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन करेंगे, तो एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। आप विराट कोहली को अच्छे से जानते होंगे, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर ये समझें कि अगर शुरुआत से ही जब वो अपना क्रिकेट खेलना उसने शुरू किया
वो शुरुआत से ही अपना आधा समय बैटिंग को, आधा समय बॉलिंग को दे रहा होता, तो क्या आज विराट कोहली को आप पहचानते? हाँ या नहीं? आपको समझना पड़ेगा, उसने अपनी पूरी लाइफ जो क्रिकेट थी उसमें जो फोकस रखा, अपना क्रिकेट एज अ बैट्समैन रखा, इसीलिए आज आप विराट कोहली को पहचानते हो। अगर विराट कोहली के माइंड में ये होता है कि नहीं भैया, मैं तो प्रैक्टिस जो करूंगा आधा टाइम में बैटिंग के हिसाब से करूंगा, आधा टाइम में बॉलिंग के हिसाब से करूंगा, तो आज वो कभी आपके नजरों में सामने आ नहीं होता। सेम गलती आप कर रहे हैं जब आप कहते हैं मैं आईटीआई भी करूंगा, मैं ग्रेजुएशन भी करूंगा, मतलब क्या है, आप फिर वही सिचुएशन कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। सर्टिफिकेट से आपका कुछ नहीं होने वाला, जो आप स्किल सीखोगे, जो नॉलेज आप लोगे वहां, यही आपको कल अच्छी नौकरी और ज्यादा पैसे दिलाने वाली है। अगर आप ये चीज अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर आगे जाके इन दोनों के दोनों नाव में एक साथ आप पैर रख के आगे जाने वाले हैं, तो कल आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी, उसका दोषी आप किसी को नहीं ठहरा सकते। एक बात और कहना चाहूंगा, जो आज का समय है वो स्किल का है, जो ग्रेजुएशन आप करते हैं उससे आपको कुछ ऐसी नॉलेज मिलती है जो अब कहीं की काम की नहीं है। आप खुद देखिए, जो आपने बीए में पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन बीए में या बीकॉम में, उसकी प्रैक्टिकल आप लाइफ में एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ आ रहा है? आप बीए कर लेते हैं, बीए करने के बाद एक्चुअल में कोई जो आपकी लाइफ है उसमें कुछ कहीं लिंक है? ये नॉलेज या एजुकेशन ये 30 साल पहले 40 साल पहले हुआ जरूरत हुआ करती थी, जब एक बैंकों में या ऑफिसर्स में क्लर्क की जरूरत पड़ती थी तो वहां पर उसकी वैल्यू ज्यादा थी। आज का जमाना आप समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तकरीबन ग्रेजुएशन के बेस की जो वैकेंसी है वो लगातार कम हो रही है। अगर आपकी अवेयरनेस है, आपकी समझने की काबिलियत है, तो अगर आप ध्यान से देखें ग्रेजुएशन बेस पे जितनी वैकेंसी पहले आती थी अब उतनी वैकेंसी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अब कंप्यूटर, इंटरनेट जो एप्स, मोबाइल एप्स इतने ज्यादा तेजी से आ रहे हैं कि सारी नौकरियां खा रहे हैं सिंपल ग्रेजुएशन वालों की। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको चीज नहीं दिख रही फिर भी आप इस गड्ढे में जाएंगे तो कल इस गड्ढे में सब लोग गिर रहे हैं, आप समझे, सब लोग बिना सोचे समझे गड्ढे में कूद रहे हैं, तो आप भी इसी गड्ढे में कूदने को तैयार हैं। अपनी बुद्धि लगाएं और जो चीजें चेंज हो रही हैं उसको देखने की कोशिश करें। आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, जो ग्रेजुएशन है वो करके तभी समझदारी है कि अगर आपने आईएएस पीसीएस, इसके अलावा बीएड करना हो, एमएड करना हो, पीएचडी करनी हो, जब इस तरह के कोर्सेज आपके मन में प्लानिंग में हो कि ओके मैंने ये सब करना है, तब तो आपका ग्रेजुएशन करना जायज है। अदरवाइज खाली ग्रेजुएशन इसीलिए कर लेना कि सब लोग कर रहे हैं तो ये कहीं की समझदारी नहीं है। ग्रेजुएशन तभी करें जब आप इस तरह के जो बड़े कोर्सेज होते हैं वो आपको करने हो, आपके प्लानिंग में हो, तभी आप करें, अदरवाइज मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसी वजह से इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको यही समझाया कि ऐसे इधर उधर देख के, दूसरों को देख के अपने एक्शन मत लें, सबसे पहले एक गुरु को खोजें। जो लास्ट वीडियो मेरी थी वो इसी से संबंधित थी। अगर आपने अभी से एक गुरु के लक्ष्य कदम पे, गुरु के कहने के हिसाब से अपनी चीजों को करना शुरू करा तो आप बहुत सी ऐसी गलतियां करने से बच जाएंगे जो अनजाने में सब लोग करते हैं। सब लोग एक भेड़ चाल चलते हैं, अपने जो आपका पड़ोसी कर रहा है, जो आपका दोस्त कर रहा है वही करने को तैयार हो जाते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी। मेरी जो लास्ट वीडियो थी, जो आई लिंक में जाइएगा वो देखिए, जिसमें मैंने समझा रखा है गुरु की अहमियत कितनी है। अगर उसी तरह से अगर आप उस एक गुरु को सर्च करके उसको उसकी मेंटरशिप में आप काम करने जाएंगे, चीजों को करने जाएंगे, तो आपके कामयाब होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।